मैनपुरी में एक निजी वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता के आह्वान पर की विशाल महारैली का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें प्रदेश के कई जनपदों से आए पदाधिकारी शामिल हुए। एक वैश्य एकता परिषद के मंच पर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की तर्ज पर मौजूद जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता कायम किए हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज के लोगों का मतदान के समय इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। तो वहीं इन सभी का कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास मंत्री महेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार वैश्य समाज के साथ है, क्योंकि बीजेपी भारत माता की जय बोलती है और वैश्य समाज भी भारत माता की जय बोलते हैं। देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। आज हम देश हमने कहा है हमारा भारत विश्व गुरु बनने वाला। आज हमारे बाबूजी सुमंत गुप्ता जी जो हमारे वैश्य समाज की एक किस्म से पूरी चिंता करते हैं और उनके मन में है हमारा वैश्य समाज युवा जोश और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में हर भागीदारी हो, उसी यात्रा में उसी कार्यक्रम में हमारा आना हुआ है। वैश्य समाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो हमारे वैश्य समाज के साथ पूरी तरह से लूट खसोट और उनके बच्चों के अपहरण और पूरी गुंडागर्दी होती थी। तो मैं कह सकता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हमारा वैश्य समाज बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कोई कष्ट नहीं। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे वैश्य समाज के या व्यापारी समाज पर कोई भी कुछ कर सके। तो मैं ये कह सकता हूँ राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 आज से प्रारंभ हो रही है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोने से जाएगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा विधानसभा के चुनाव में उनकी भागीदारी स्थापित हो और वे अधिक से अधिक संख्या में उनको टिकट मिले। 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं। हम लोगों की मांग है कि उन स्थानों पर वैश्य समाज के बंधुओं को टिकट मिले। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि पूरे आगरा मंडल, पूरे अलीगढ़ मंडल में मात्र 3 विधायक आपके इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, फरकाबाद, कन्नौज, आपके कानपुर देहात में एक भी वैश्य समाज का विधायक नहीं है। इस भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारा दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर, कथन भी है कि हमारे लोगों को टिकट दीजिए।